बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा 88 वर्ष के हो चुके हैं। इनके जन्म दिवस के अवसर पर बोधगया में हर्षोल्लास के साथ 50 पौंड का केक काटा गया। इस मौके पर कई देशों के बौद्ध भिक्षु उपस्थित रहे। इस दौरान शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसके बाद हजारों बौद्ध भिक्षु बोधगया महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना कर दलाई लामा की लंबी उम्र की कामना की गई। Is being celebrated all over in the world, but our birth is celebration from the land of Buddha. Budgaya is a very special one because this is the most sacred place for all the Buddhist people, and this is the place of liberation. This is the place of Buddhist culture. This is the place where Buddha got enlightenment and taught to the human world, and his teachings are very much beneficial. सावन महीने का आज तीसरा दिन है। सुल्तानगंज क्षेत्र बोलबम के जयकारे से गुंजमय है और उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर कावर में जल लेकर कावरी 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। सावन के पहले दिन सुल्तानगंज से 50,000 कांवड़ियों ने जल उठाया, वहीं दूसरे दिन भी 50,000 कांवड़ियों ने जल उठाया है। बुधवार को 338 डाक बम ने जल उठाया। आज भी 60,000 से अधिक कांवड़ियों के जल भरने की संभावना है। कांवड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। देश के कई राज्यों से कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। सुल्तानगंज क्षेत्र बोलबम की गूंज से जगमगा उठा है और वहां पे लोग भक्तिमय हो चुके हैं।